फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मीठी सेवइयों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जब कभी आपका मीठा खाने का मन करे तो फटाफट से झटपट से बनाएं मीठी सेवइयाँ। ये सेवइयाँ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी। ये बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं, बादाम जिसको मैंने बारीक कट कर लिया हुआ है, 2 से 3 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, थोड़े से काजू जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, 1 कटोरी सेवियाँ और 4 से 5 चम्मच चीनी ली है, मैंने पिसी हुई चीनी ली है। गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसमें देसी घी ऐड कर लूँगी और घी को अच्छे से मेल्ट होने दूँगी। घी हमारा अच्छा मेल्ट होना शुरू हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें 1 कटोरी सेवियाँ ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। इसको तब तक अच्छे से भूनेंगे हम जब तक इसका कलर अच्छा गोल्डन ना हो जाए। देखेंगे सेवियों का कलर चेंज होना शुरू हो चुका हुआ है। अभी 1 मिनट के लिए हम इसको और अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा सा कलर और हम इसका अच्छा चेंज करेंगे। इस तरीके का हमें कलर चाहिए सेवियों में पूरी। देखेंगे आप गोल्डन अच्छे कलर की हो चुकी हुई है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर लूँगी और अच्छे से चीनी को भी हम मिक्स कर लेंगे। चीनी के साथ भी हम 1 मिनट तक अच्छे से सेवियों को भून लेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आपने 1 कटोरी सेवियाँ ली हैं तो हम इसमें 1.5 कटोरी के करीब पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी में एक अच्छा उबाल आने देंगे। सबसे पहले एक अच्छा उबाल आना शुरू हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी, बादाम और काजू। ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो पे कर देंगे और लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के हम अच्छे से सेवियों को ढककर छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके होंगे सेवियों को अच्छे से पकते हुए और आप देखेंगे सेवियां हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हैं और हम अपनी सेवियों को सर्व कर लेंगे। कल बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।